हेलो एवरीवन, कोमल्स किचन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल खस्ता और सॉफ्ट मावा गुजिया। तो गुजिया की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो हम सबसे पहले गुजिया की फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे पाउडर शुगर लिया है, पिसी हुई चीनी ली है, इसमें हमने सेका हुआ मावा डाला है, इसमें हम थोड़ी सी और पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे, फिर इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर सेका हुआ रवा डालेंगे। रवा को हमने 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया था, फिर उसे ठंडा करके इसमें हमने डाला है। अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ कोपरा यानी कि सूखा नारियल डालेंगे। यहाँ हमने कटे हुए बादाम और पिस्ता लिए हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे। कटे हुए काजू हैं, वो भी इसमें डाल देंगे। तो गुजिया की फिलिंग तैयार हो गई है। तो अब गुजिया बनाने के लिए हम एक डो तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे मैदा लिया है, इसमें हमने घी डाला है, इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका एक सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। हमने यहाँ पे इसमें पानी ऐड नहीं करना है, सिर्फ दूध से ही इसका डो तैयार करना है। डो तैयार होने के बाद में हमने इसे आधे घंटे के लिए ढक के रख देना है। तो अब हम गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक छोटी सी पूरी बेल लेनी है, पूरी को हमने एकदम पतला बेलना है। अब हमने यहाँ पे गुजिया बनाने की मशीन ली है, इस पे हम इस पूरी को रख देंगे। इसके अंदर हम जो हमने मावा की फिलिंग बनाई थी वो डाल देंगे इसमें। अब इसके साइड्स में हम पानी लगा देंगे, फिर हमें इसे इस तरह से बंद कर देना है और जो इस एक्स्ट्रा आटा है उसको निकाल देना है। इसी तरह से हमने सारी गुजिया को तैयार कर लेना है। अब हम गुजिया को फ्राई करते हैं। हमने गुजिया को व्हाइट ही रखना है, इसे गोल्डन नहीं करना है। तो लीजिए, टेस्टी टेस्टी मावा गुजिया तैयार है। आज की रेसिपी अगर आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।